हेलो एंड वेलकम टू एस एस टी ऑनली टुडेज टॉपिक इज स्ट्रगल टू सर्वाइव एक कॉन्सेप्ट है समझना है अगर हम 1715 की बात करें जो पॉपुलेशन फ्रांस की थी वो थी 23 मिलियन एंड आई होप यू नो वन मिलियन इज इक्व टू 10 लाख ये जो पॉपुलेशन थी 1789 आते आते 28 मिलियंस हो गए सो देट इज अ डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी मिलियंस फाइव मिलियंस एंड वन मिलियन इज इक्व टू टेन लाख सो कितना हो गया यहाँ पे फिफ्टी लाख पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई

हर रिक्वायरमेंट है केजी तो उसको हम हंड्रेड में कहेंगे तो केजी so, कितनी होनी चाहिए? वो भी हंड्रेड के होनी चाहिए तो रिक्वायरमेंट है और 100 के जी सप्लाई है तो सबको मिल जाएगा अब हुआ क्या जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वैसे वैसे फूड ग्रेन्स की डिमांड और इंक्रीज हो गई फॉर एग्जाम्पल 100 थी 150 हो गई लेकिन जो सप्लाई है वो अभी भी सेम है हंड्रेड है ऐसी कंडीशन में होगा क्या ज्यादा पीपल डिमांड करेंगे लेकिन सप्लाई कम है तो प्राइसिस इंक्रीज हो जाएंगे अगर ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है कि डिमांड जो है वो कम आ रही है फॉर और सप्लाई हो गई है 150, तो ऐसी कंडीशन में लोग लेने वाले कम है सामान ज्यादा है तो प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे तो ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है जिसको हम अप्लाई करेंगे हमारे टॉपिक में अब पॉपुलेशन 50 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी यहाँ पे हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन के साथ साथ फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा सप्लाई कम और प्राइसिस इंक्रीज हो जाएंगे तो यही हुआ जो भी ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो डिमांड्स को मैच नहीं कर पाया और जिसकी वजह से जो उनकी स्टेपल डाइट थी ब्रेड उसके प्राइस काफी इंक्रीज हो गए हैं पे अब प्रॉब्लम क्या होगी फॉर अगर कोई एक वर्कर है है ठीक है, और वर्कर की जो अर्निंग है रुपीज हंड्रेड यानी वो उसकी मंथली इनकम है अब हंड्रेड रुपीज में अगर हम एक ब्रेड की बात करें तो टेन रुपीज की एक ब्रेड है तो और यहाँ पे ये यह हंड्रेड में टेन पीस ले पाएगा अब प्राइस इंक्रीज हो गए हैं ब्रेड के क्यों क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम है तो ऐसी कंडीशन में जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो ट्वेंटी हो गए हैं यहाँ पे अब कितना ले पाएगा अब वो सिर्फ फाइव पीस ऑफ ब्रेड ले पाएगा तो क्या वो पूरे महीने अपना जो उसको टेन ब्रेड्स की रिक्वायरमेंट थी अब वो क्या फाइव में सर्वाइव कर पाएगा आंसर इज नो अब बच्चे ऐसा क्यों हो रहा था कि जो वर्कर्स थे वो ज्यादा नहीं ले पा रहे थे प्राइस इंक्रीज होने की वजह से तो उसको दोबारा से समझिए जरा जितने भी वर्कर्स थे वो मोस्टली वर्कशॉप में यहाँ पे काम करते थे और वर्कशॉप में उनके जो वेजेस थे ना वो फिक्स थे मतलब ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहे थे उसके साथ साथ उनके वेजेस इंक्रीज, इंक्रीज नहीं हो रहे थे जिसकी वजह से जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया अब वेजेस भी इंक्रीज होने चाहिए थे प्राइस राइज की वजह से फॉर एग्जाम्पल पहले हंड्रेड रुपीज में यहाँ पे आप टेन रुपीज पीस था तो टेन ले सकते थे और आपको एक महीने में टेन ब्रेड्स की रिक्वायरमेंट होती थी अब क्या हुआ है? आपकी ट्वेंटी तो आप लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चे अब ऐसी कंडीशन में जब ये प्रॉब्लम आई तो सिंपली क्या हो जाएगा सर गैप जो था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया मतलब वो लोग जो यहाँ पे अर्निंग कर रहे थे यानी जो उनके पास फूड ग्रेन थे और वो सामान बना रहे थे ब्रेड का तो उनको तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं क्योंकि पहले वो दस रुपीज चार्ज करते थे अब वो वो कर रहे हैं तो वो और रिच हो गए और जो पुअर पीपल्स थी वो सारी की सारी डिप्लीट होती जा रही थी बच्चे ऐसी कंडीशन में अब इमेजिन करके देखो कि हमारी जो एक कंडीशन है कि सर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई काफी कम है जिसकी वजह से प्राइस जो थे वो इंक्रीज हो गए अब ऐसी कंडीशन में अगर एक चीज यहाँ पे ड्रॉट आ जाए यानी सूखा पड़ जाए या फिर किसी भी और रीजन की वजह से जितना भी आपके यहाँ फूड प्रोडक्शन होता है वो और रिड्यूस हो जाए तो सर अगर और रिड्यूस हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा प्राइस और इंक्रीज हो जाएंगे तो सर इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस जहां पे जो फ्रांस में जो पीपल थे सर वो अपनी नॉर्मल सर्वाइवल यानी जो फूड्स थे बेसिक नेसेसिटी थी उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और ये जो चीजें थी वो कॉन्टिन्यूसली ओल्ड रिजीम के अंडर में विटनेस होती थी तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्राइसिस हमने ये देखा कि डिमांड ज्यादा होती है और डिमांड ज्यादा होने के लिए आपकी सप्लाई भी ज्यादा होनी चाहिए अगर डिमांड और सप्लाई मैच नहीं करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएंगे डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम तो प्राइसेस इंक्रीज डिमांड कम सप्लाई ज्यादा प्राइसेस डिक्रीज लेकिन हमारे यहाँ पे फर्स्ट केस हो रहा था कि डिमांड बहुत ज्यादा आ रही थी ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन सप्लाई कम थी जिसकी वजह से प्राइस काफी इंक्रीज हो गए और खुदा न खास्ता कोई ड्रॉट आ जाए हेल स्टॉम आ जाए जिससे क्रॉप और डिस्ट्रॉय हो जाए तो सप्लाई और कम प्राइसेज फिरदर इंक्रीज हो जाएंगे तो ये ओल्ड रिजीम में जो चैलेंज था वो कंटिन्यूसली यहाँ पे आता रहता था जिसकी वजह से जो पीपल्स थे उनको काफी सरवाइव करना पड़ता था और इसी को हम यहाँ हैपन तो आपको ये सारे यहाँ पे जो ये जो दे रखे हैं बच्चे फॉलोइंग वर्ड्स इसको यहाँ पे भरने हैं ठीक है ठीके? तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कितने अच्छे से चीजें यहाँ पे आती हैं नहीं तो इसका जो आंसर है वो ये सारी चीजें हैं अगर बैड हार्वेस्ट होता है तो उस कंडीशन में जो फूड ग्रेन है उनकी सप्लाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे जो पोरेस्ट पर्सन है वो ब्रेड को परचेज नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से होगा क्या सर वो लोग यहाँ पे लड़ाई करेंगे अपने फूड्स के लिए और नहीं तो अगर उनको कम खाना मिलेगा तो उनकी जो बॉडीज़ है वो वीकर बॉडीज हो जाएंगी और कोई भी अगर डिसीज आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा उनकी डेथ की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगी और अगर फूड रेट्स में कभी यहाँ पे फाइट हो जाती है या फिर जो सोल्जर्स उनको यहाँ पे सप्रेस करने के लिए मारेंगे बीट करेंगे या फिर उसको यहाँ पे फायर करेंगे तब भी उनकी डेथ हो जाती थी तो ये पूरी एक कंडीशन है नेक्स्ट है, वो है पास्ट पीजेंट्स so और जो वर्कर्स थे बच्चे वो काफी ज्यादा रिवॉल्व कर रहे थे कौन कर रहे थे क्यों कर रहे थे क्योंकि टैक्सेस टाइम टू टाइम इंक्रीज करते जा रहे थे और फूड स्कॉर्सिटी की वजह से जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस अभी हमने देखा लेकिन इनके पास कोई भी एक कॉन्क्रीट मीन्स नहीं था मीन्स जिसके थ्रू वो अपनी बात को अच्छे से प्रेशराइज करके रख पाए ना ही प्रॉपर प्रोग्राम्स थे सिंपली बच्चे हुआ क्या सर इन जो भी यहाँ पे यह अटेम्प कर रहे थे पीजेंट्स एंड जो वर्कर्स थे इनकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आ रहा था यहाँ पे ठीक है दैट मीन्स इनके जो मीन्स और प्रोग्राम्स थे वो आउटडेटेड हो चुके थे अब हुआ क्या बच्चे अब ऐसे में सिंपली ये जो जिम्मेदारी थी कि ये जो सारी चीजें यहाँ पे हम डिमांड कर रहे हैं फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर और सोशल ऑर्डर को चेंज करने के लिए सर अब वो आ गई है यहाँ पे थर्ड स्टेट्स में उन लोगों में जो प्रॉस्प्रेस है यानी जिनके पास एजुकेशन है और न्यू आइडियाज है अगर हम तरीके से एक बोल पाएं तो थर्ड स्टेट में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी अब वो इस टाइप के यहाँ पे क्या करेगी सर इस टाइप की जो डिमांड्स थे उनको पुट फॉरवर्ड यहाँ पे करेगी

एक एरिया से दूसरे एरिया में वो ट्रेड कर रहे हैं कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड करने के साथ साथ उनकी जो वेल्थ है इनकम है वो जनरेट हो रही है इंक्रीज हो रही है क्वेश्चन आता है ये जो थर्ड स्टेट न्यूली मैनुफेक्चरिंग प्रॉस्परस है नहीं बच्चे यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स भी एमर्ज होंगे फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए क्यों क्योंकि ट्रेड में लॉयर्स का, का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट में अगर कोई वायलेट होता है तो उस केस में केस फाइल करने के लिए तो जिस टाइप्स की जॉब्स की डिमांड ज्यादा आती जा रही थी उसी टाइप के जो ऑफिशियल्स थे वो भी एमर्ज होते हुए जा रहे थे और ये एजुकेटेड मिडिल क्लास में यहाँ पे आ जाएंगे अब ये जो स्लाइड है यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको फाइव मार्क्स देके जाएगा तो आपको बहुत ही ध्यान से ये सारी चीजें यहाँ पे समझनी है बच्चे यहाँ पे तो ये जितने भी एजुकेटेड पीपल्स थे यहाँ पे बच्चे इनकी आइडियोलॉजी क्या थी सर जिनको एजुकेशन मिलती जा रही थी यानी जो न्यू न्यू आइडियाज को यहाँ पे इनकलकेट करते जा रहे थे समझते जा रहे थे अब वो उसी बेसिस पे अपनी सोसाइटी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम कर रहे हैं और उन्होंने जब एग्जामाइन किया तो उनको ये देखने को मिला कि सर हम सभी इक्वल हैं और हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसको जो प्रिवलेजेस हैं वो बर्थ से मिले फॉर एग्जाम्पल क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ एक कोई पर्सन है जिसने अच्छे से एजुकेशन करके अच्छे से आगे बढ़ के मेहनत करके अपनी प्रिवेलेजेस को अर्न किया सोसाइटी में सो दैट इज एक्सेप्टेबल बट हम क्या बात कर रहे हैं मियरली अगर आप फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के मेंबर हो और उसमें बॉर्न हुए हो और आपने कोई भी अचीवमेंट नहीं है तब भी अगर आपको प्रिवलेजेस मिल रहे हैं तो ये एजुकेटेड ऐसे प्रिवलेजेस को यहाँ पे क्या कर रहे थे कि इनको एंड करना चाहिए बच्चे यहाँ पे ठीक है और ये बोल रहे थे कि यहाँ पे एक पर्सन की जो सोशल पोजीशन है वो मेरिट पे डिपेंड होनी चाहिए कि वो कितना मेरिटोरियस पर्सन है यहाँ पे ना कि इस पे कि इस बेसिस पे वो किस स्टेट में उसने बर्थ लिया है बच्चे तो इसी वजह से ये क्या डिमांड कर रहे हैं बच्चे इसी वजह से ये जो पीपल्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे फ्रीडम होना चाहिए सभी के पास और इक्वल लॉज होने चाहिए जो किसी भी स्टेट को डिस्क्रिमिनेट ना करें हर एक स्टेट के लिए इक्वल लॉज एप्लीकेबल हो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएंगे अब जो जितना ज्यादा मेरिटोरियस है जितना ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे निकल सकता है यहाँ पे अब यहाँ पे जो फ्रेंच फिलोसफर्स हैं उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बच्चे फॉर एग्जाम्पल दी जॉन लॉक जीन चेकविस्ट रूसो मोन्टेस्क्यू यानी क्वेश्चन कैसे आएगा रोल ऑफ दी फिलोसफर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ थ्री इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं थ्री इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं लेकिन वैसे अगर आप कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो और फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हो तो उसमें काफी ज्यादा फलॉसफर्स हैं उन्होंने काफी अपने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं अगर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनके आइडियाज थे वो काफ़ी रेवोल्यूशनराइज थे जहाँ पे लोगों में उन्होंने लॉजिक और रीजन को इंफ्रोड्यूज किया और वो सारे लोग जो थे वो अब एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे फॉर्म थी सोसाइटी में उसको क्वेश्चन करने लगे थे यहाँ पे तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जीन जैकुस रूसो जॉन लॉग और मॉन्टेस्क्यू ने क्या क्या बोला है अब इसको याद करने के लिए आपको कैसे करोगे जे जे एम जे फॉर जॉन लॉक जे फॉर जीन जेक्टेस्ट सबसे पहले जॉन लॉक ने यहाँ पे टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये लिखा है इन्होंने कि वो रिफ्यूज करते हैं एक्सेप्ट करना कि एक डॉक्ट्रीन ऑफ डिवीन ये क्या है कि भैया जो किंग है भगवान ने उनको अलाउ किया कि जाओ तो मेरे बिहाफ पे जाके रूल करो अब क्वेश्चन आता है कि ये डिवाइन वाली जो थ्योरी थी वो, और या जो होते, वो क्यों करते थे बच्चे लोगों की के लिए. Example, अगर मैं कह वाला था तो तुम लोग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा मानोगे की हाँ कि हा, सर ये भगवान का अवतार है उन्होंने भेजा इनको और हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए अपोज नहीं करना चाहिए यहाँ पे बच्चे ठीक है तो दिस टाइप ऑफ जो थ्योरी होती है वो डिवाइन से रिलेटेड है दूसरा कि सर जो किंग है यानी जो मोनार्क है तो उसके पास एप्सोल्यूट राइट है means, इस तभी लगता ना यहाँ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिश्री सारी पावर्स इनके हाथ में ही है, तो ने टू ट्रीटीज में इस किया है कि दो चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एक तो डॉक्ट्रीन ऑफ दिन और दूसरा एप्सोल्यूट राइट ऑफ होप अब इसके बाद कोई भी आपको डाउट नहीं होगा सेकेंड इज दिन रूसो की बात करेंगे तो रूसो ने यहाँ पे एक आइडिया को पुट फॉरवर्ड किया है कि जो गवर्नमेंट है यानी जो भी गवर्नमेंट को हम चूज करते हैं वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे होनी चाहिए बच्चे सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होना चाहिए सर पीपल के बीच में होना चाहिए और उनके रेप्रेजेंटेटिव अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक एरिया के पीपल थे यानी हम आप बात कर रहे हैं कि जितने भी मेरे यहाँ पे एस एस टी ओनली के मेम्बर्स हैं उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है एज द लीडर ठीक है एज देर रेप्रजेंटेटिव यानी अगर कोई भी बात होगी तो मैं उनके बिहाफ पे बोलूंगा यहाँ पे लेकिन हमारे और आपके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि सर जब तक हमने आपको चूज किया है और हमने आपको इसलिए चूज किया कि आप हमारे बेटरमेंट या फिर वेलफेयर के लिए काम करोगे जहां पे आपने हमारे बेटरमेंट और वेलफेयर को छोड़ के अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया सर वहां पे हमारा आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और हमारे पास ये ऑप्शन है कि आपको हटा के किसी दूसरे को हम अपॉइंट कर देंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव जो इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगा तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट आते हैं मॉन्टेस्क्यू इन्होंने यहाँ पे बच्चे इन द द्रिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने बताया है कि सर यहाँ पे पावर का डिवीजन होना चाहिए जैसे आपने यहाँ पे पढ़ रखे हो बच्चे यहाँ पे कि सिंपली इंस्टीट्यूशन वाले चैप्टर में कौन सा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में तो मॉन्टेस्क्यू ने ये बोला है कि सर स्प्रिट ऑफ लॉज में कि पावर जो है वो किसी एक हाथ में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए यानी जो गवर्नमेंट में जो पावर है वो थ्री सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सर लेजिस्लेटिव जो कि लॉ बनाएगा

डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं जिनका ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने यहाँ पे जो डोमेन है उसमें काम करेंगे और अगर कोई भी एक दूसरे के डोमेन में आता है तो उसको यहाँ पे क्या करेंगे स्ट्रिक एक्शन लेंगे यहाँ पे ठीक है ये जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव में नहीं आ सकता एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता और इसी तरीके से और इंस्टीट्यूशन के लिए भी ये सारा थ्रू है बच्चे यहाँ पे अब इस टाइप के जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो मॉडल हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे अभी तक जो, जो हमने यहाँ पे फिलोस के व्यू पॉइंट से जो डिस्कस किया सर इस टाइप की गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट ऑलरेडी यूएसए में आ चुकी थी थी पे जहाँ पे जो थी, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर दिया था यानी डिक्लेयर कर दिया था फ्रॉम दी ब्रिटेन जो हमने देखा था यहाँ पे जो लुई लुईसिक्सटीन आने के बाद इंडल्ज हो गए थे जिस वॉर में सर हम उसी चीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉट ओनली दिस बच्चे जो अमेरिकन में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था और साथ ही साथ यहाँ पे बिल ऑफ राइट को हम फंडामेंटल राइट्स बोल रहे थे यानी एक तरीके की individual rights की इंडिविजुअल राइट्स गारंटी दी गई थी अमेरिका में तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सेट करता है जो भी फ्रांस में पॉलिटिकल पोलिटिकल थिंकर अभी जितने भी आइडियाज थे फिलोसफर्स के बच्चे ये कैसे स्प्रेड हुए तो सिंपली जो सेलोन्स होते थे अब सेलोन्स का मतलब यानी जब बाल कटाने जाते हैं यहाँ पे तो सेलोन का मतलब क्या होता है सिंपली एक तरीके से आप एक पब्लिक गैदरिंग की हम बात कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप लाइक इंटेलेक्चुअल हो गए आर्टिस्ट हो गए पॉलिटिशियंस आएंगे डिस्कस करेंगे अपनी जो भी आइडियोलॉजीज हैं और उसी के थ्रू यहाँ पे ये जो इश्यूज़ होते थे या पे जो आइडियोलॉजीज होती थी वो एक दूसरे से डिस्कस की जाती थी और वो स्प्रेड होती थी यहाँ पे कॉफी हाउसेज हो गए बच्चे यहाँ पे बुक्स और न्यूज की तरह अगर हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो वो स्प्रेड होंगे आइडियाज तो इस टाइप से ये जो चीजें थी बच्चे यहाँ पे सर वो स्प्रेड हुई थी यानी जो आइडियाज थे के, वो ऐसे स्प्रेड हुए थे अब सिंपली बच्चे यहाँ पे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था उनके लिए ये जो सारी चीजें थी यहाँ पे सर जोर जोर से यहाँ पे बोला जाता था सो so दैट उन लोगों को भी ये आइडियाज पता चल जाए जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं अब द न्यूज दैट लुईज सिक्सटीन प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस एबल टू मीट द एक्सपेंसिस ऑफ द स्टेट

सर जो प्रिवरेजेस है उनकी एंड की जाए एंड इवन फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट जो है आपके लिए कि आप स्क्रीन को पॉज करिएगा और यहाँ पे आप पढ़िएगा और आपको ये सोर्स से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं बच्चे यहाँ पे ठीक है मैंने आपको फर्दर एक एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझना है कि इस पैसेज में क्या दे रखा है तो आप इजली एक्सप्लेनेशन को पढ़ के आप इसको समझ सकते हैं चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे आउटब्रेक ऑफ अब लुई दूशन ने बोल तो दिया कि वो टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे बच्चे पे जो अभी तक हमने चीजों को देखा लेकिन अब इमेजिन करके देखिए सर वो कैसे करेंगे यहाँ पे मतलब कि टैक्सेस को फर्दर इंक्रीज कैसे करेंगे अब एक प्रोसीजर है जो उनको फॉलो करना होगा जो ओल्ड रिजिंग थी बच्चे फ्रांस में और वहां पे जो मोनाक था अकेले उसके पास पावर नहीं थी मीन अलोन उसके पास पावर ये नहीं थी कि वो टैक्सेस को इम्पोज कर पाए सर फिर, सर फिर टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए उसको एक मीटिंग को यहाँ पे बुलाना पड़ता था ऑफ दी स्टेट्स जनरल जो कि यहाँ पे न्यू टैक्स के प्रपोजल को यहाँ पे पास करेगी बच्चे अब क्वेश्चन क्या था कि स्टेट जनरल क्या है सर स्टेट जनरल में क्या है सो स्टेट जनरल एक तरीके की पॉलिटिकल बॉडी है बच्चे जहाँ पे तीनों स्टेट्स के जो मेंबर्स थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे भेजते थे और वो लोग डिस्कस करते थे और उसके बाद जो भी डिसीजन लिए जाते थे प्रपोजल्स आते थे उनको पास किया जाता था अगर हम बात करेंगे सर मोनाक जो है अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल द मीटिंग ऑफ दिस बॉडी लेकिन बाकी के डिसीजन वो अकेले नहीं ले सकते थे अब लास्ट टाइम पे ये जो मीटिंग बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 1614 के टाइम पे उसके बाद से ये मीटिंग बुलाई नहीं गई थी और हम कितने की टाइम की बात कर रहे हैं हम सेवनटीन एटीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने सालों के बाद ये बुलाई गई सेवनटीन

स्टेट में आपको पता है कौन है क्लर्जी यस वेरी गुड और सेकेंड स्टेट में कौन से, yes, से 300 300 का इस टाइप की यहाँ पे एक रो थी और एक रो यहाँ पे थी और दोनों क्या होंगे सामने आमने सामने बैठेंगे यहाँ पे ठीक है अब कितने हो गए सर 300 ये हो गए फर्स्ट स्टेट के है, है, और ये हो गए टोटल so, यहाँ पे सिक्स हंड्रेड हो गए और बाकी के यहाँ पे जो सिक्स हंड्रेड थे वो थर्ड स्टेट से उनको यहाँ पे बोला गया कि सर आप ये पीछे यहाँ पे खड़े रहेंगे यहाँ पे सिर्फ देखेंगे आप मतलब गजब बेचती है द थर्ड स्टेट वो रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर एंड प्रोस्परस एजुकेटेड मेंबर्स क्यों बाकी लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था उन्होंने बोला तुम जाओगे तुम बोले इंसान हो हमें भेजो हम पढ़े लिखे हम जाके यहाँ पे सिंपली खटिया खड़ी कर देंगे बोले ठीक है सर जाओ सो पीज एंड एंड उनको कोई भी एंट्री नहीं थी इस असेंबली में यहाँ पे बचे ऑल दो तो इनके जो ग्रीवासर्स थे जितनी भी डिमांड्स थी उनको बोला गया था कि आप लेटर्स लिख के दे दो देखेंगे जरा तो ऐसे लेटर्स में उनकी जो प्रॉब्लम थी जिसको बोलते हैं डिमांड्स थे वो अपने रेप्रेजेंटेटिव जो सिक्स हंड्रेड थे जो प्रोस्प्रेस सेक्शन से बिलोंग करते थे वो अपने साथ यहाँ पे लेके गए बुरा भर के लेके गए अब हो गया बच्चे यहाँ पे समझना है सर वोटिंग जो थी यहाँ पे स्टेट जनरल में कैसे होती थी यहाँ पे सर

थर्ड स्टेट में नॉर्मली यहाँ पे प्रॉस्परस और पुअर पीपल्स आ जाएंगे कितने मेंबर थे 600 लेकिन इनका भी कितना वोट था फर्स्ट वोट अब हम बात करें टैक्सेस की प्रिवलेजेस की एंड करने की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट यहाँ पे क्या हो जाते थे मिल जाते थे टू टू से हमेशा से ही फर्स्ट और सेकंड स्टेट जीत जाते थे और थर्ड स्टेट को अपनी बात रखने का कभी भी मौका नहीं मिलता था सो ड्यू टू विच बच्चे वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब सर यहाँ पे जो वोटिंग्स होगी वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होगी यहाँ पे और सिंपली यहाँ पे जो लाइक जो रूसो हैं यहाँ पे उन्होंने अपने सोशल कॉन्टेक्ट में लिख रखा है उन फ्लॉस्फर्स की यहाँ पे जो बोल रखा है उनकी यहाँ पे बात वो लोग कर रहे थे बच्चे यहाँ पे ठीक है अब किंग भाई साहब क्या करेंगे उनको लगेगा अगर हम ऐसा करेंगे तो सर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे सर सभी लोग हमें अपोज करने लगेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो अपर हैंड है वो किसके पास चला जाएगा थर्ड स्टेट्स के पास चला जाएगा तो किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जिसकी वजह से हुआ क्या सर उनको लगा जो थर्ड स्टेट्स गजब बेचती है तो सारे लोग उठ के यहाँ पे चले गए यानी एज अ प्रोटेस्ट में कि, कि किंग जो है वो कभी भी हमारी बात नहीं मान रहे हैं और एज अ बाइकआउ करके असेंबली का वो लोग यहाँ पे चले गए अब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट्स के बच्चे उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे जो एक्चुअल में स्पोक्स पर्सन है फ्रेंच नेशन के सभी लोग और फाइनली ट्वेंटी जून को यहाँ पे एक जगह असेंबल हुए क्योंकि जो वर्सायले था बच्चे यहाँ पे उसमें एंट्री बंद कर दी गई थी यहाँ पे उन लोगों को एंट्री नहीं करने दिया जा रहा था जिसकी वजह से एक इंडोर टेनिस कोर्ट था वो सिंपली इन ग्राउंड ऑफ तो वहीं पे वो लोग इकट्ठे हुए इन्होंने अपने आप को किया कि ये एक नेशनल असेंबली है और ये जो नेशनल असेंबली है तब तक हम डिस्पर्स नहीं होंगे यानी इन लोगों ने एग्रीमेंट किया कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक फ्रांस के लिए एक हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम या ड्राफ्ट नहीं कर लेते अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे फ्रांस के लिए इसमें जो मुनाक की पावर है वो लिमिटेड होगी अर्लियर अनलिमिटेड पावर्स थी अब यहाँ पे लिमिट लगाया जाएगा मुनाकी पावर पे और साथ ही साथ यहाँ पे थर्ड स्टेट के अलावा फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के मेंबर्स भी इसमें सपोर्ट करते हैं तो इनके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी डायरेक्टली एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है की हु आर दी मिराब्यू आर दी अब और अपार्ट फ्रॉम दर्ड स्टेट कौन से मेबर्स ने सपोर्ट किया था नेशनल असेंबली को तो सबसे पहले मीराबियो की बात करेंगे तो ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करेंगे तो बच्चे सेकेंड स्टेट नोबिलिटी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि जो सोसाइटी में जो फ्यूडल प्रिवरेजेस हैं जो बर्थ के बेसिस पे हैं उनको आपको क्या करना है गिव अवे कर देना है साथ ही साथ इन्होंने जर्नरल्स भी लिखी है ताकि लोग अवेयर हो पाए और वेरियस स्पीचेस भी दी हैं जब सभी लोग इकट्ठा हुए थे वर्सायले में अब एसिज की बात करेंगे तो ये फर्स्ट स्टेट क्लर्जी से बिलोंग करते हैं प्रीस्ट हैं और इन्होंने एक इन्फ्लुशियल पैंपलेट लिखे जिसका नाम है व्हाट इज थर्ड स्टेट इसमें इन्होंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो प्रिवलेजेस जो बर्थ के बेसिस पे बेस्ड हैं उनको आप गि अपे कर दीजिएगा अब ये जो इमेज है इसके आने की प्रॉबिबिलिटी काफी लेस है क्योंकि यहाँ पे अगर आएगा, आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में तो काफी मैसी हो जाएगी इमेज लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए इन केस अगर आ जाता है तो ये टेनिस कोर्ट ओथ है जहाँ पे सभी लोगों ने ली थी और यहाँ पे ये बोला था कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक हम फ्रांस के लिए और ड्राफ्ट नहीं कर लेते कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें थर्ड स्टेट हैं बनाया, बनाया था बच्चे यहाँ पे और सिंपली क्या था दिस पेंटिंग वॉज इंटेंडेड टू बी हंग इन दी ने पे वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे अब नेशनल असेंबली तो बिजी थी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए लेकिन अगर हम फ्रांस की बात करेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी ऐसा क्यों हुआ था बच्चे काफी ज्यादा सीवियर प्रिंटर पड़ा और जिसकी वजह से जो हार्वेस्ट था वो अच्छे नहीं हो पाया और वो बैड हार्वेस्ट हुआ तो ऑलरेडी आपको पता है डिमांड आता है सप्लाई और कम हो जाएगी इसकी वजह से जो फर्दर इंक्रीज प्राइस थे ब्रेड के वो दोबारा से और इंक्रीज हो गए और जो बेकर्स थे इस चीज का एक्सप्लॉयट करेंगे इस सिचुएशन का उन्होंने क्या किया होल्ड करना स्टार्ट कर दिया मतलब कि वो जितना भी सामान था उसको और कम कम रिलीज कर रहे थे जिसकी वजह से मार्केट में स्कॉसिटी हो जाएगी और लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे खाने के लिए यहाँ पे तो उनको ये लगा कि हम इस सिचुएशन को एक्सप्लॉयट करके ज्यादा पैसों को अर्न कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि आपको लॉन्ग आर्स खड़ा होना पड़ता था बेकर्स की शॉप पे तब जाके आपको कुछ ब्रेड मिलती थी अब इसी से गुस्सा होकर कुछ एंग्री वीमेंस जो थी उन्होंने यहाँ पे जो बेकर्स की शॉप थी उन उनपे अटैक कर दिया और काफी ज्यादा सिचुएशन क्या हो जाती है और खराब हो जाती है डेप्रिशिएट हो जाती है अब इसी टाइम पे यहाँ पे जो किंग थे उन्होंने ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स को पेरिस में और फिर जो यहाँ पे स्टॉमिंग ऑफ बेस्टाइल वाला जो इंसिडेंट सबसे पहले हमने पढ़ा था वही सारी चीज यहाँ पे हो जाती है बच्चे ऑन फोर्टीन जुलाई एजिटेटेड क्राउड स्टॉम एंड डिस्ट्रॉइड दी बेस्टाइल जो कि काफी एक डिप्रेशन और सप्रेशन का सिंबल था यहां पे ठीक है अब ये कुछ एक इमेज है फिगर सिक्स स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर द मैप शोज हाउ बैंड ऑफ दीज स्प्रेड फ्रॉम दी वन पॉइंट टू दी एन तो किस किस एरिया से कहां, -कहां पे गए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चे आपको अच्छे से समझना होगा उससे पहले एक न्यू वर्ड आया है दैट इज चेट्यूर सी एच ए टी ई ए यू और कभी कभी इसको एक्स भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसका मतलब होता है कोई भी कैसल जो यहाँ पे हाउसेज होते थे ना यहाँ पे लॉर्ड्स के या फिर स्टेटली रेसिडेंस जो कि किंग या फिर उनके जो एरिस्टोक्रेट्स से नोबल मैन से बिलोंग करेगा मैनर जो है यहाँ पे एक तरीके से स्टेट है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉर्ड्स की लैंड होंगी और उनके यहाँ पे घर होंगे मैंशन होंगे यहाँ पे इन दोनों वर्ड को अभी हम इस स्लाइड में यूज करेंगे तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको यहीं से पता होना चाहिए चैटे बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं और मैनर की बात कर रहे हैं तो हम किसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं अब बच्चे जैसे जैसे ये जो रूमर्स थी वो स्प्रेड होती जा रही थी विलेजेस टू विलेजेस अब वो रूमर्स थी क्या अब रूमर्स ये थी और सबसे पहले यहाँ पे कंट्री साइड में आपको बताऊँ तो क्या है फॉर एक्जाम्पल ये आपका मेन टाउन है

रिकॉर्ड से कि आपको कितना ड्यू देना है सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे वही खाता जो भी अकाउंटेंट वाला यहाँ पे जो होता है सारी चीजों हिसाब आपको इतने रुपीस देने हैं इतना आपने लोन लिया था इतने आपके पास ग्रेन पे देने आपको रेवेन्यू देना है सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया ना डॉक्यूमेंट्स बचेगा ना ही आप क्लेम कर पाओगे आके और लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स क्या होगा बच्चे इससे डर के यहाँ पे अपने होम छोड़ के आस के एरियाज में या फिर कंट्रीज में यहाँ पे चले जाते हैं अब सर सिंपली यहाँ पे अब काफी लोग रिवॉल्व कर रहे हैं तो फेस विद विदर ऑफ रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट लुइस सिक्सटीन ने यहाँ पे क्या किया बचे कि यहाँ पे उनको सर जबरदस्ती वो नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्होंने लेजिटिमेसी दे दी किसको दी किसको नेशनल असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर है और उन्होंने एक्सेप्टेड किया है यहाँ पे जो प्रिंसिपल है कि इनकी जो पावर है अब सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आएगी दैट मींस अभी तक जो मोनार्की अनलिमिटेड पावर के थ्रू रूल कर रही थी अब वहां पे आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मोनार्की में क्या डिफरेंस है बच्चे सर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की और मोनार्की में ये डिफरेंस है

कि सर ये जो फ्यूरल सिस्टम था बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा था यहाँ पे जो ऑब्लीगेशन और टैक्सेस हमको पे करने पड़ते थे उसको आपने एंड किया तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा बच्चे सेकेंड इज जो मेंबर्स हैं क्लर्जी के सर वो भी यहाँ पे क्या करेंगे जितनी भी प्रिवलेजेस थे उनको बेस्ड ऑन दी बर्थ उनको गिव अप करनी पड़ेगी जितनी भी तिथि यहाँ पे जो टैक्स था बच्चे एबॉलिश एंड लैंडस ओन बाई दी चर्च जो थी उनको सबको कन्फिस्केट कर दिया गया मीन्स उनसे छीन लिया गया यहाँ पे एज ए रिजल्ट तो गवर्नमेंट था सर उनको जो एसेट्स मिले हैं सर वो वर्ड एटलीस्ट टू बिलियन लिब्रेस के मिले थे और हमारे पास टैक्स कितना था सॉरी यहाँ पे टैक्स इन द सेंस लोन कितना था थ्री बिलियन लिब्रे तो अब इजली हम उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं कंपनसेट कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे ठीक है तो अभी के लिए इतना ही नेक्स्ट स्लाइड जो हम कल पढ़ेंगे यहाँ पे सर वो हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के अंडर में यहाँ पे काम करता है क्या क्या चेंजेस आते हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक तो प्लीज स्टे टू एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब